तो पहले आपको टाइल के जॉइंट को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। देख सकते हो हमने ये सेम बढ़िया तरीके से साफ कर लिया है। देख सकते हो बढ़िया साफ हो चुकी है हमारा टाइल। अब इसके बाद इसमें टेप लगाएंगे, तो आपको इसकी 1 इंच वाली टेप लेनी है और जॉइंट में बढ़िया तरीके से इसको चिपका देना है। इससे क्या होगा, जब हम अपोक्सी भरेंगे तो ये पूरी टाइल में फैलेगी नहीं और अच्छी तरीके से अपोक्सी भरेगी आपकी टाइल्स। कौन सी भी हो, मैट फिनिश हो या दाने वाली हो या फिर ग्लॉक्सी हो। तो हमारे टेप लगने के बाद इसमें अपोक्सी भरते हैं, तो आपको इसे पत्थर की मदद से अपोक्सी भरते हैं, तो आपको इसे दबा के बढ़िया और हर जॉइंट में भरना है इसको। बहुत बार क्या होता है, जो मेटनिस टाइल होते हैं उसमें जब हम अपोक्सी भरते हैं तो साफ ही नहीं हो पाती और टाइल्स के जॉइंट खराब हो जाते हैं। अगर आपके मेट फिनिश टाइल से या कोई ग्रुप वाले टाइल से या दाने वाले टाइल्स बाथरूम के, तो आप ऐसे टेप लगा के उसको भर सकते हो, आपके टाइल्स बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बाद आपको कम से भी कम 15-20-25 मिनट के बाद इसको साफ जरूर करना है, नहीं तो क्या सेट होने के बाद ये ना तो टेप उखड़ेगी ना ही ये अपोक्सी साफ होगी। तो आपको 15-20 मिनट के अंदर इसको टेप को हटा देना है यहाँ से, और हटाने के बाद इसमें साफ कर लेना है इसको। तो मैं आगे बताऊँगा कैसे इसको साफ करना है, तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो। नहीं कहीं फायदा है कि आपकी टाइल खराब नहीं होगी। तो अब टेप को उखाड़ते हैं तो देख सकते हो आप बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान से टेप निकल रही है। तो आपको भी ऐसे टेप निकाल देना है एक एक करके। तो आप देख सकते हो जॉइंट बिल्कुल भी टाइल्स में नहीं आई है, अपोक्सी सिर्फ जॉइंट जॉइंट में रही है। और आपको टेप लगाने के बाद 1 दिन के अंदर ही टेप में अपोक्सी भरनी है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन लगा के 2 दिन भरोगे तो टाइप जो टेप है उसके निशान उसमें टाइल्स में रह जाएंगे। तो आपको जैसे ही टेप लगानी है उसके हाथों हाथ इसको भर देना है और 15-20 मिनट के अंदर इसको टेप को हटा लेना है। और फिर पानी से सर्फ के पानी लेके उसने इसको हाथ से गोल गोल घुमा के साफ कर लेना है इसको। तो आपके टाइल्स भी ख़राब नहीं होंगे, इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। बहुत भाई भरते हैं जो उसकी टाइल ख़राब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, साफ़ ही नहीं हो पाती वो। तो देख सकते हो हमने पूरा भर के इसको साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।